चाइना सहित कई देशों में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए भारत में भी जो केंद्र सरकार है और राज्य की सरकारें हैं लगातार बैठक कर रही हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आप जो कोरोना टेस्ट है जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं या नागरिक आ रहे हैं उनका बराबर आप लोग चेकअप करें। यहाँ SSB के द्वारा आप हमारे सामने देख सकते हैं कि जो भी विदेश से नेपाल से पर्यटक आ रहे हैं उनका बराबर चेकअप किया जा रहा है। और वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के अंतर्गत आने वाले सोनौली बॉर्डर के पास हैं। ये सोनौली बॉर्डर है, हमारे पीछे जो है नेपाल आपको जस्ट हम दिखाएंगे, इस तरफ दिखाइए थोड़ा सा, नेपाल बॉर्डर है। तो यहाँ पर विशेष जो है सावधानी बरती जा रही है, चाहे पुलिस हो चाहे SSB हो चाहे अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो मेडिकल के लोग हैं उनके द्वारा लगातार यहां पर सावधानियां बरती जा रही हैं। आपको बता दें कि गाइडलाइन जारी हो चुका है, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा भी मोदी सरकार ने अभी एक महत्वपूर्ण कल बैठक किया है, उसके बाद जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बैठक किया है इसको लेकर, क्योंकि चाइना सहित कई देशों में लगातार जो BF7 वेरियंट करके है ओमिक्रॉन के बाद यह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और फिलहाल ये जो वेरियंट है इसके भारत में केवल 4 मामले अभी तक सामने आए हैं, उसमें से भी बता रहे हैं कि कुछ ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए यहाँ पर लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियाँ सख्त हैं और जो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कर्मचारी हैं उनके द्वारा विदेशी पर्यटकों का यहाँ पर लगातार कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त नौतनवा SDM दिनेश कुमार मिश्रा जी हैं। सर, कोविड गाइडलाइन को लेकर क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, खासकर बॉर्डर जो सोनौली है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो भी स्थानीय स्तर पर कर्मचारी हैं, चाहे हमारा पुलिस का स्टाफ हो, हमारा SSB का स्टाफ हो या हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं जो कोविड हेल्प डेस्क यहाँ पर स्थापित है, उसके द्वारा सभी जनता जितने भी बसेज आ रही हैं, जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है आप लोग मास्क का प्रयोग करें और पहले की तरीके से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। साथ ही हमारी जो कोविड हेल्प डेस्क है उसमें थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर लिया जा रहा है और जिनका भी टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है उनका एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सब में कोविड कक्ष रोगियों के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। वहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आदि, वो भी सुविधाएँ उपलब्ध करा दी गई हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को बचाया जा सके और संक्रमण न फैले, इसके लिए उसके लिए एक अलग कक्ष में उसको सुरक्षित आइसोलेट किया जा सके। सर, कोरोना को लेकर BF7 एक नया वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन के बाद, इसको लेकर केंद्र स्तर पर भी मोदी जी की बैठक हुई, राज्य स्तर पर भी लगातार बैठकें जारी हैं, तो ऊपर से क्या आदेश हैं कि क्या सावधानियां बरतना है या पर्यटक जो हैं, क्योंकि ये जो नाका है इंटरनेशनल बॉर्डर है तो यहाँ से हजारों लोग लाखों लोग रोज़ यात्रा करते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव है किस तरीके से वो लोग बचाव करें इसका? देखिए, इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर फिर जिला स्तर पर सक्रिय हो गया है और सभी को यही बचाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें और स्वयं भी यदि किसी को ये लगता है कि उसका स्वास्थ्य खराब है, उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कोई भी संक्रमण का लक्षण उसको होता है तो स्वयं भी स्वास्थ्य परीक्षण अपना करा ले। यहाँ हमारी जो मेडिकल टीम है वह तो थर्मल स्कैन और एंटीजन टेस्ट कर ही रही है, लेकिन लोगों में भी ये जागरूकता अभियान, हमारे जो पहले स्थानीय स्तर पर जो हमारी टीमें सक्रिय थी, जो निगरानी समितियां थी, आशा थी, आंगनवाड़ी थी, उन सबको निर्देश दिए गए कि इसको व्यापक रूप से जन जन में इसका जो है प्रचार प्रसार करें और संक्रमण को बढ़ने से रोकें। बिल्कुल, जो सरकार है चाहे कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, लगातार उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं उस पर सावधानियां बरती जा रही हैं और हम भी आपसे अपील करते हैं कि जब से ये नया वेरिएंट आया है तब से और अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि अभी भारत में इसके केवल 4 केस ही सामने आए हैं, लेकिन फिर भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद जो यहाँ लोकल लोग हैं या बॉर्डर क्रॉस करने वाले लोग हैं उनको भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। इसमें आज से देखिए जाँच स्टार्ट हुई है और अभी इसमें थर्मल स्क्रीनिंग की जांच की जा रही है। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा किसी का तापमान आता है तो उसमें फिर एंटीजन और RT-PCR करने के प्रावधान है। और ये जांच कल का क्या वो है, मतलब प्लान है क्या? अग्रिम आदेश आने तक यही जांच चलेगी, उसके पहले जो भी हो रहा है ये CMO अधिकारी के द्वारा
किया गया है। अच्छा एक चीज़ और सर, जब से नया वेरिएंट सामने आया है तब से जो पर्यटक हैं या देश के ही नागरिक हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनको क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, क्या सावधानियां बरतनी है? सावधानियां पहले जैसी ही रहेंगी, और जो कि नया वेरिएंट सबसे थोड़ा सा खतरनाक ज़्यादा है, जिसका नाम है BF7, और चीन में अभी इसके काफ़ी आपने न्यूज़ देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा मौतें भी हुई हैं इसके विषय में, तो इसलिए सावधानियां वही रहेंगी पहले जैसी। कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए पहले, अब क्या नाम है कहाँ? मैं शशिकांत पुंड पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं अभी हम सोनाली बॉर्डर पे आ चुके हैं, हम पशुपतिनाथ जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोविड के जो सेकंड ये वेव आ रही है उसके लिए यहाँ पर नागरिकों के अच्छे से चेकिंग किए जा रही है, और मास्क कंपलसरी हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो गोरखपुर की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है और पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटलिटी, ये सब ये कोविड का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सज्ज है, और उन्होंने जो भी हमारा चेकिंग किया है उससे हम बहुत संतुष्ट है, क्योंकि ये जो कोविड का जो संकट है आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए इसका मुकाबला अभी से हम सब नागरिकों को करना चाहिए। बहुत अच्छा काला हुआ सर, नहीं?